भैया हम इंटरव्यू के लिए आए हैं, कहाँ है भाई, कौन है? ब्रदर इंटरव्यू तो ठीक है, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं अपना आउटर व्यू थोड़ा ठीक कर लूं। ब्रदरों और सिस्टरों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पेटीज विद पंकज। मेरी पैटी कहाँ है? सिस्टर वो हमारे शो में ना सिर्फ पंकज के लिए पैटी होती है, वो तो मैं खा गया। एनीवेज, हाय गाइस, आई एम भूमि पेडनेकर। सिस्टर तुम्हारा नाम भूमि है, मतलब फिर तो तुम बड़ा भूमि होगी। तुम कभी दल्लूपुर आई हो क्या? सिस्टर ये जो तुम्हारी पिक्चर है ना सोन चिड़िया, हाँ। मेरे को पूछना था इसका नाम सोन चिड़िया क्यों है? देखो पंकज, सोन चिड़िया का मतलब होता है गोल्डन बर्ड, एक ऐसी बर्ड जो आपको आपकी फ्रीडम तक ले जाए। क्या कर रही हो तुम? ऐसी सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, तो बर्ड और कैसी होती है? सिस्टर सोन चिड़िया तो पता नहीं, मैंने गोन चिड़िया देखी है। क्या वो दल्लूपुरा में ना बड़ी वैरायटी है बर्डों की, जैसे स्पैरो, बुलबुल, मैना, तोता, ट्वीटी, पिंगू, तो वो जब नंगी तारों पे बैठते हैं ना खंभों पे, उनको करंट लग जाता है, फिर वो गोन चिड़िया हो जाती है। बर्दर मेरे को एक बात बताओ, जैसे दल्लूपुरा में भी एक बॉलीवुड है हमारा, हाँ। तो उसमें ना मैंने एक प्ले में वो ट्री का रोल किया था। क्या बात करो, तो फिर तुमने क्या रोल किया इस पिक्चर में? मैंने शेर का मेरा जो कैरेक्टर है वो एकदम शेर की तरह निडर, जैसे तुम हो ना निडर, जैसा होता है वैसे ही बोलते हो। सीमेज, हैशटैग सीमेज, हैशटैग एग्जैक्टली। तुम ऐसे की पोज करती हो पंकज, इट्स कॉल्ड अ पाउट। सिस्टर तो पाउट होता है, लेकिन तुम्हारे पाउट पे ना मेरे को डाउट होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे गोलगप्पे में ना किसी ने ज्यादा तीखा डाल दिया। फिर तुम बताओ, फिर तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी है ऐसे सोशल मीडिया पे डाकू बनने की? बहुत आसान है, इसका उल्टा करना होता है। जैसे अगर कोई घुसा मारे तो ऐसा हाँ। फैशन हो जाता है, तो जब बागी होता है तो तुमको उल्टा करना होता है, तो फैशन हो जाता है। एग्जैक्टली, तो तुमको ऐसे करके ऐसा चश्मा लगा के। अच्छा। एक कोबिन भैया, वैसे मैंने सुना है कि पंकज तुम ना नहीं देते हो किसी को। सिस्टर ये तुमने बिल्कुल सही सुना है, इट्स राइट। तुम नहीं देते मतलब वर्जिनिटी के मामले में तो तुम्हारा बचपन से ही नवरात्रे चल रहे हैं। सिस्टर ज्यादा को कीमत मानो, वो वाला ना डिफरेंट होता है, उन दोनों को में होता है फर्क होता है। सॉरी चंबल में तो वो कंबल की तो जरूरत पड़ी नहीं होगी ज्यादा, मतलब नहीं, जब किसी को मारते हैं हाँ। उसको हम लोग पहले से कंबल पिटाई करते हैं, मतलब केयर करते हैं उसकी। हाँ, तो कंबल डाल के पहले ना मारो, ठंड ना लगे, ठंड ना लगे। हाँ, तो क्योंकि मारने पर गर्मी पैदा होती है। अच्छा अच्छा, ऐसे करके सही है, स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छा, सोच के सब काम करते हैं भैया। वैसे तो पंकज बड़ा प्लेयर टाइप का है। प्लेयर सिस्टर मैंने ना रिकॉर्ड सेट किया है सब्जी काटते काटते पबजी खेलने में। सिस्टर ये जो तुम लोटे से मार रही हो ना बर्दर को ट्रेलर में, मेरे को अपनी दादी की याद आ गई, वो भी जब सुबह 7 बजे मदन डेयरी खुलती है ना, वो भी मेरे को लोटे से मार के उठाती है। अरे इसको किसको पकड़ के लाया यार तुम लोग, ये कौन है ये? बर्दर जानता बनो मत तुम अपने आप को, तुम बॉलीवुड के हार्ट थ्रोब हो ना, तो मैं भी दल्लूपुरा का तैमूर हूँ, आई एम अ रॉयल। रॉयल? तुम शक्ल से घायल लगते हो। बर्दर ऐसे पिक्चर बढ़िया थी, मेरे पास पेन ड्राइव में पड़ी है, तुमको देखनी हो तो तुम देख लो। तुम ये बताओ सिस्टर कि तुम दिखने में तो बड़ी साउथ दिल्ली टाइप हो, लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर तो हमेशा जमुना पार के होते हैं। मेरा नाम है भूमि, मतलब मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ। जैसे मेरा जो कैरेक्टर है सोन चिड़िया में इंदुमती तोमर, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेजियस औरत है, उसमें बहुत ममता है, बहुत सहनशीलता है, बहुत शक्ति है। लेकिन यार तुम ना ये गंदे जोक्स में प्लीज प्लीज। हाँ बर्दर, तुम ये जो डाकू बने हो ना इस पिक्चर में, कि ये तो कैरेक्टर सीधा सीधा मेरे से इंस्पायर्ड है। तुमसे इंस्पायर्ड? तुम डाकू पागल हो क्या? डाकू लोग कैसे होते हैं पता है? मतलब कितना ऐसा बागी टाइप होते हैं, उनके हाथ में बंदूक होती है और क्या क्या करते तुमको पता है? बर्दर दल्लूपुरा में ना जब लाइट जाती है तो लोग मेरे को ही मिस्ड कॉल मारते हैं, फिर मैं जाके खंभों से ना उनके लिए बिजली चुराता हूँ। एंड यू कैन कॉल मी इफ यू नीड करंट। तुम प्लीज डोंट ऑफेंस, पर अगर अगर राजा रवि मार्टिन की तुमने बुक पढ़ी है ना गेम ऑफ थ्रोन्स, तो उसमें लिखा है कि पंकज इज ए ओजी। मैं ना दिल्ली का डाकू हूँ, पर थोड़ा क्यूट भी हूँ ना, तो लोग कभी कभी काकू बोल देते हैं। ये पैटीज विद पंकज पे कोई रैपिड फायर है? कोई गिफ्ट मिलेगा? मैं क्यों तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ? सिस्टर है ना रैपिड फायर, उस फायर में तो मैं पैटीज गर्म करके खा गया, और रैपिड मेट्रो तो 10 बजे तक चलती है, तुमको अगर जाना है ना तो यहाँ से रिक्शा ले लेना, 10 रुपए लेता है, पहुँचा देता टाइम। Please share, comment, subscribe and give it a lot of love and do go watch my film Son Chiriya on the 1st of March. देखो मैं तो सुशांत बर्दर के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने, लेकिन तुम अकेले मत जाना, वरना यू विल बी अलोन चिड़िया। सिस्टर एक फैशन पोज बना दे, हम कवर पे डाल देंगे, फिर वो हमको ऐसे चेंज।